रवीना टंडन के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज हुआ है और उन पर शराब के नशे में एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट का आरोप लगा है। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित रिजवी कॉलेज के पास रवीना टंडन की गाड़ी ने एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। इस घटना के बाद रवीना के ड्राइवर और पीड़ित परिवार के बीच बहस हुई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। पीड़ित के बेटे मोहम्मद ने दावा किया कि उनकी मां और परिवार के अन्य सदस्य इस हादसे में घायल हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि रवीना टंडन खुद भी गाड़ी से उतरी और शराब के नशे में उनकी मां के साथ मारपीट की। घटना के दौरान भीड़ जमा हो गई और लोगों ने रवीना को चारों ओर से घेर लिया। रवीना लगातार चिल्लाती रही, मुझे धक्का मत मारो, मुझे मत मारो। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कैमरा बंद करने की भी अपील की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार तुरंत खार पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां रवीना टंडन के पति अनिल थडानी भी मौजूद थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रवीना की मैनेजर का कहना है कि एक्ट्रेस ने किसी के साथ मारपीट नहीं की, बल्कि रवीना को ही लोगों ने मारा है और उन्हें चोटें भी आई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी रवीना टंडन के विवाद से जुड़ी पूरी खबर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।